मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मंगलवार को करीब शाम 5:50 बजे हेलीकॉप्टर से टनकपुरी स्टेडियम पहुंचे। तत्पश्चात मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का रोड शो कार्यक्रम आयोजित हुआ। मुख्यमंत्री का काफिला आते देख स्थानीय लोग धामी धामी के नारे लगाने लगे। इसी बीच सीएम को माला पहनाने वालों की भीड़ उमड़ पड़ी। प्रशासन एवं सुरक्षा कर्मियों को भीड़ नियंत्रण करने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, जबकि प्रशासन ने सुरक्षा के तहत खासे बंदोबस्त किए थे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का रोड शो कार्यक्रम बस स्टैंड रोड से शुरू होकर राजा राम चौराहे से होते हुए मेन रोड, बाजार, चड्डा चौराहा, खन्ना चौराहा, तुलसी राम चौराहे से होते हुए सीमेंट रोड तक निकाला गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के रोड शो के दौरान सड़क पर खासी भीड़ थी। स्थानीय लोगों ने फूल की वर्षा करके मुख्यमंत्री धामी का स्वागत किया। हरिद्वार से आई साध्वी प्राची ने भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के पक्ष में लोगों से मिलकर भारी बहुमत के साथ जिताने की अपील की। रोड शो कार्यक्रम में निवर्तमान विधायक कैलाश गहतोड़ी, रुद्रपुर विधायक शिव अरोड़ा, पालिका अध्यक्ष विपिन कुमार, हर्षवर्धन सिंह रावत, जिलाध्यक्ष दीपचंद पाठक, दीप्ति रावत, शह प्रभारी शैलेंद्र सिंह, संगठन प्रभारी पूर्णागिर मंदिर समिति के अध्यक्ष किशन तिवारी, सामाजिक कार्यकर्ता अनिल अग्रवाल, भगवत शरण, गुरुचरण लाल शर्मा समेत तमाम लोग शामिल रहे।